के बारे देखिए जोहर साहब, जब मैंने वहाँ महसूस किया कि उसने शेर ने चिखारा, उसका मुंह जो था बिला मुबारका, मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे मुझे ऐसा लगा तो कोई गार है डर के बारे। तो फिर शेर लड़िया साहब अपने शेर के ऊपर से, मुझे आज तक याद है कि उसकी बैली पेट जो था वो सफ़ेद रंग का था, बहुत बड़ा शेर था मेरे साथ। फिर वो निकल गया साहब जंगल में, लेकिन साहब होता हुआ थे कोई 10 या 15 मिनट तक वो शेर चिल्लाता था, अच्छा, लेकिन साहब उसको ट्रेस नहीं कर सके, बहुत दूर निकल गया था, बहुत तेज भागता जब भागने में आता था, तो बहुत दूर निकल गया था वो। तो ये अजीब वाक़ा है साहब, लेकिन कुछ लोग कोई समझते हैं, कोई समझते हैं ये भाई ढंग खींच रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी एक किस्सा शेर का बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब। तो ये जो किस्सा ये जो अभी हुआ था, ये किस किस साल में हुआ था? ये मैं उस वक्त साहब 30 थी, मिड 30 थे। अच्छा, 1930-34 हुआ था। तो ये देहरादून में, देहरादून के पास एक जंगल था जिसका नाम था बेरी बाड़ा। अच्छा, बाड़ा कहते जंगल बागीचे को, बाड़ा बगीचे को, क्योंकि वो बेर का बगीचा था। वो उस जगह की मशहूर ये भी चीज़ थी, वहाँ जंगली हाथी भी थे साहब। अच्छा, जो उस जिसको वो एक बड़ी अजीब चीज़ होती थी उस ज़माने में साहब, कि इस बेरी बाड़े में आने के लिए आपको गंगा दरिया को क्रॉस करना पड़ता था। अच्छा, तो ये हाथी होते थे, जब सर्दी पड़ने लगती थी वो लेंस डाउन, एक हिल स्टेशन था गंगा के उस पार, तो वो लेंस डाउन में जब ठंड पड़ने लगती तो हाथी वहाँ से चढ़ के गर्म इलाके में आ जाते थे, ये कंपेरेटिवली गर्म था या बर्फ रखनी पड़ती थी। अच्छा अच्छा, तो साहब आपको ताजुब होगा कि वो गंगा दरिया बहुत बड़ा पार्ट था उसका, उसमें वो तैर के आते थे हाथी। अच्छा अच्छा, जंगली हाथी तैर के आते थे। अच्छा अच्छा, वैसे एक दफ़ा तबाह हुआ था उसी जंगल जाने का, तो वहाँ पर जंगल काट के तख्ते बनाते थे, प्लैंक जिसको कहते थे, तो प्लैंक काट के पेड़ों पे वो स्टैक करके रख देते थे कि खुश्क हो जाए वो। तो एक दफ़ा हम लोग गए थे वहाँ पर, तो हमने देखा था साहब कि हाथी उधर से गुजरे थे, तो उन्होंने वो लकड़ी जो पड़ी हुई देखी थी वो पता नहीं सूंड से या कैसे काफ़ी फीकी हुई साहब। अच्छा, तो उस जगह से जहाँ पर स्टैक रखा था 50-60 मील पर जाके तख्ते पड़े हुए थे सारे जगह, कुछ पेड़ों में अटके हुए थे। अच्छा अच्छा, तो हाँ वो आपको कहता है इस पाकिस्तान का जो वो भी बड़ा लतीफा है। तो उससे पहले ये भी बता दें, ये जो ये एक शेर आपकी लिविंग रूम में है, तो ये आपको ट्रॉफी मिली, तो फिर उसके बाद उस अगले किस्से में जाते हैं। ये किताब वो एक यहाँ पर सीनियर सेंटर है, उसमें कहते ये है कि साहब अपने अपनी ज़िंदगी के सीनियर लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी के वाक़ियात बताएं। तो एक दिन साहब मजबूर था कि आपके साथ कोई ख़ास हंगामा खेज ऐसा किस्सा हुआ या नहीं हुआ, तो साहब मैंने ये किस्सा उनको सुनाया। तो यहाँ अमेरिका लोगों जी, तो आप अपने अमेरिकन लोगों को तो साहब ये समझ में नहीं आता कि साहब शेर भी कोई चीज़ होती है ऐसी बड़ी, जू में देखते हैं जंगल को तो देखा नहीं था इन्होंने, तो साहब वो बड़ा उन्होंने ताज्जुब किया कि साहब, मैंने भाई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही वाक़ा है ये, मैं अगर झूठ बोलता तो मैं ये कहता कि मैं शेर आया था तो मैं खड़ा हो गया और उसका मुकाबला किया, वो झूठ हो जाता, लेकिन मैं तो खुद कह रहा हूँ कि भाई मैं डरा। तो ऐसे ही बड़ा अजीब किस्सा है शेर का जो बांग्लादेश में हुआ था। वहाँ साहब सुंदरबन एक जंगल है, तो उसमें शेर बहुत है। अच्छा, तो कुछ माफ कर दिया आपने जी, सॉरी। अच्छा, तो वो बांग्लादेश में एक जंगल है। बांग्लादेश में जो उस वक्त तो ईस्ट पाकिस्तान कहलाया जाता था साहब, तो बांग्लादेश में साहब सुंदरबन जंगल में एक शेर मालूम हुआ कि साहब ये
आदम खोर है जिसको अंग्रेजी जबान में मैन ईटर कहते हैं, तो चूंकि उस जंगल में गाँव देहात के जो लोग होते हैं वो शहद जमा करने और लकड़ी जमा करने जाते हैं, और उनका ख़ास पोशाक ये होती है कि जब वो जंगल में जाते हैं तो एक फेस मास्क भी ले जाते हैं अपने साथ, मास्क बना हुआ, और वो उसको अपने गुड्डी पे पहन देते हैं। ठीक है, वो इसलिए पहनते हैं कि शेर जो है जब भी अटैक करता है पीछे से गर्दन पे करता है। अच्छा, लेकिन आँख से आँख इंसान की नहीं मिला सकता हूँ। अच्छा अच्छा, तो जब वो जंगल में जाते थे तो शेर इसी इंतजार में रहता था कि कब इस पोजिशन पे आए कि मैं इनके ऊपर झपका मारूँ। ठीक है, तो लेकिन जब वो मास्क लगा हुआ देखते थे वो कहते थे भाई इसके जो शहर इधर है तो वो भाग जाता था। एक दिन साहब किसी वहाँ पर ये हुआ कि वो जा रहे थे तो एक शेर कूद पड़ा एक बंगाली के ऊपर, दुबले पत्ते तोड़ते बेचारे बंगाली, उसके ऊपर कूद पड़ा था और उसने डर के मारे उसको जफ्फी दे दी। अच्छा, यानी समझ में नहीं आती कैसे थे? और जफ्फी दे गए वो उसके साथ चक्कर लगा दे रहे, दो पैरों पे शेर खड़ा हुआ और ये इसके ऊपर जफ्फी लगा दे। उस आदमी ने डर के मारे इतनी ताकत आ गई थी कि शेर का वजन उसने समा दिया। ठीक, उसे सब चक्कर लगाता था। तो उनके साथ जो आर्मी के लोग थे वो जो टिकट पे जा रहे थे उस वक्त सोल्जर थे बस पाकिस्तानी, तो उनके जो सूबेदार साहब थे उनके पास बंदूक थी, तो वो इस इंतज़ार में थे कि किस वक्त एंगल से सही आए तो मैं इस शेर को मार दूँ। ठीक है, तो वो इतफाक से ये हुआ कि साहब वो चक्कर लगाता था, फिर शेर घबरा गया क्या हुआ ये समझ नहीं आया, वो शेर मार गया वहाँ से। तो बड़े मशहूर हुआ किस्सा साहब के साहब शेर है इसको मारना चाहिए, बहुत लोगों ने ट्राई किया। तो वेस्ट पाकिस्तान में उस वक्त तजिया खान के कुछ साहब थे जो शेर मारने पर बड़े माहिर थे, तो शेर मारने में जो माहिर थे वो तो ईस्ट पाकिस्तान में। अच्छा, और वो सुंदरबन जंगल भी गए और वहाँ जाके उस शेर को उन्होंने मारा था। अच्छा, तजिया खान उन्होंने किताब भी लिखी है इसी वाक़े के ऊपर। तो ये जो शेर के साथ जो हंगामा हुआ ये मुझे, मैं ईस्ट पाकिस्तान में एक जगह था कॉक्सेस बाजार, वहाँ पर एक सूबेदार साहब थे उन्होंने ये किस्सा मुझे सुनाया था कि वो तो हर लोग समझते थे नहीं बंगाली बड़ा डरपोक है, तो वो कहते थे नहीं भाई शेर से डरा ये। अच्छा, शेर को इसने भगा दिया ये एक बड़ा अजीब वाक़ा हुआ था शेर का। अच्छा, खींचने में तो बहुत सी खींचती भी है ये बात सही है, लेकिन ये वाक़ात है खींचने की तो बात ही नहीं, आपको शिकारी होते तो मैं शायद खींचने बैठ जाता।